Hello students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Patel Bhargavi and today I am going to teach you Standard 3 Mathematics. So, ये जो Standard 3 में हमारा Chapter number 9 है, ये इसका Lecture number 7 है, okay? आप लोग के पास इसकी worksheet होगी, आपको वो निकालनी है और इधर मैं जो भी questions के answer लिखती हूँ, आपको मेरे साथ साथ समझना है, अच्छे से learn भी करने और फिर लिखने, ठीक है? Okay. So, इधर कुछ questions है जिसके हमें answer find out करने हैं. हमें क्या पूछा है? A flower has a four petals, यानी कि जो एक flower है, उसमें फोर पेटल्स है. तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स हैज 22 फ्लावर्स. तो जो बंच था पूरा फ्लावर्स का उसमें 22 फ्लावर्स है. सो हमें क्या ढूंढना है? हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन द बंच. तो जो बंच है फ्लावर्स का उसमें कितनी पेटल्स होगी. तो सिंपल हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? अगर एक फ्लावर में फोर पेटल्स है तो 22 में कितने हो गए? इधर हम लिख सकते हैं, अगर वन फ्लावर है इसमें कितने पेटल हैं? फोर पेटल्स हैं. तो हमें कितने के ढूंढने हैं? 22. तो 22 फ्लावर्स में कितने पेटल्स होंगे? तो हमें क्या करना है? 22 × 4, 4 × 8, 4 × 8. तो कितने पेटल्स होंगे 22 फ्लावर में? तो 88 पेटल्स होंगे, ठीक है? ओके, आपको सारे ही ऐसे करने हैं. ओके, आप मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाइए. ओके, देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक ईयर में 12 मंथ्स हैं. तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 9 ईयर्स? तो फिर 9 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए? तो हम क्या लिखेंगे इधर? अगर वन ईयर में कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स है. तो हमें कितने ईयर के ढूंढने हैं? तो 9 ईयर्स में कितने होंगे? तो हमें क्या करना है? 12 × 9. तो 12 × 9 कितने होंगे? आपको ऐसे लिखने हैं, 12 और 9, 9 × 18, 1, 9 × 1 = 9 and 10. तो कितने होंगे? 108 मंथ्स होंगे. कितने में? 9 ईयर में 108 मंथ हो गए. ओके, अभी क्वेश्चन 3 क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज अ ₹1055, यानी कि एक बुक की प्राइस जो है वो 55 रुपीज़ है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स, यानी कि 8 बुक्स की प्राइस क्या होगी? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3. ओके, क्या है? वन बुक की प्राइस क्या दी है? वन बुक की प्राइस है 55 रुपीज़. तो हमें कितने की ढूंढनी है ऐसे? 8 बुक्स की. तो 8 बुक्स की प्राइस क्या होगी? तो क्या होगा? 55 × 8, 8 × 5 = 14. 4 × 8 = 14, 14 × 4 = 44. तो आंसर क्या आएगा? 44 रुपीज़ की 8 बुक्स आएगी. ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अ बुक हैज़ अ 55 पेजेस, यानी कि एक बुक में 55 पेजेस है. सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 9 सच बुक्स? तो 9 बुक्स में कितने पेजेस हो गए? तो हमें क्या लिखना है? अगर वन बुक के 55 पेजेस हैं, ओके, तो ऐसे कितनी? 9 बुक्स है. तो 9 बुक्स में कितने होंगे? तो हमें क्या करना है? 55 × 9, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 45 × 5 = 50. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 55 पेजेस होंगे. ओके, अगर एक बुक में 55 पेजेस हैं तो 9 बुक्स में 505 पेजेस होगी. ओके, अभी क्वेश्चन क्या है अगला? अ पैकेट कंटेन्स 8 पेंसिल्स, यानी कि जो एक पैकेट है, अगर हम पेंसिल्स का एक पैकेट लेते हैं तो इसमें 8 पेंसिल्स आती है. सो हाउ मैनी पेंसिल्स विल बी देयर इन 16 सच पैकेट्स? ऐसे अगर हम 16 पैकेट्स लेंगे तो कितनी पेंसिल्स उसमें आएगी? तो हमें क्या लिखना है? एक पैकेट में कितने पेंसिल्स हैं? एक पैकेट में 8 पेंसिल्स हैं, 8 पेंसिल्स है. तो ऐसे हमें कितने पैकेट चाहिए? ऐसे हमें 16 पैकेट चाहिए. तो 16 पैकेट की प्राइस, 16 पैकेट में कितने होंगे? तो हमें क्या करना है? 16 × 8. तो 8 × 6 = 48 और 8 × 1 = 8 और 4 = 12, तो 128. तो ऐसे 16 पैकेट में कितनी पेंसिल्स आएगी? 126 पेंसिल्स आएगी. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. आपको मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाने हैं, ठीक है? ओके, अभी हम करेंगे लास्ट वाला. वन रो कंटेन्स 19 फ्लावर्स, यानी कि जो एक रो है उसमें 19 फ्लावर्स रखे हैं. सो हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी देयर इन 8 सच रोज? अगर ऐसे हम 8 रोज बनाते हैं तो इसमें कितने फ्लावर्स होंगे? तो पहले हम क्या लिखेंगे? वन रो में कितने हैं? 90 फ्लावर्स हैं. तो कितनी है ऐसी? 8 रोज हैं तो इसमें कितने होंगे? तो क्या करेंगे हम? 19 × 8 करेंगे. तो 9 × 8 = 72 और 8 × 1 = 8 और 7 = 50. तो आंसर क्या आएगा? 152 फ्लावर्स होंगे. ओके, अगर हम ऐसी 8 रोज बनाएंगे तो 152 फ्लावर्स होंगे. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. ओके, तो इधर ये जो हमारा
ओके, इधर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।